Hello everyone, in the continuation of chapter of electricity, today we are going to see our next topic. In our previous class, we have already done the symmetric circuit. Okay, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक सर्किट है. आपको बोला गया है कि ये मान लो ए एंड है आपका और ये मान लो बी एंड है. ये मान लो बोल दिया गया 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये 4 ओम दिया है आपको, ये दिया है मान लो आपको 4 ओम, ये भी मान लो 4 ओम दिया है, ये 6 ओम मान लो, ये भी 6 ओम दिया है, ये कुछ भी मान लो आप 10 ओम दिया है. अब आपसे पूछा गया है फाइंड द आर इक्विवेलेंट. आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, या फिर बोल सकता है आपको फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो देखो, इन क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है. तो एक मेथड कौन सा है? सिमेट्रिक मेथड. सिमेट्रिक मेथड मतलब आप क्या देख रहे हो, अगर आपको ए से बी जाना है तो आपके पास एक पाथ ये वाला अवेलेबल है. देखो, पहले आप जाओगे 3 ओम के क्रॉस, फिर जाओगे 4 ओम के क्रॉस, फिर जाओगे 6 ओम के क्रॉस. एक आपके पास ये वाला पाथ है और एक पाथ ये वाला है, ठीक है. बट आप क्या देख रहे हो, दोनों पाथ कैसे आपके पास सिमेट्रिक. अगर आप बोलोगे यहां पोटेंशियल सी है तो यहां पोटेंशियल क्या होगा? सी. अगर यहां पोटेंशियल डी है तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा? डी. क्योंकि ये दोनों पाथ कैसे हैं आपस में? सिमेट्रिक. तो आप इजिली बोल सकते हो अगर ये सी वोल्टेज से कनेक्ट है, ये भी सी वोल्टेज से कनेक्ट है, 4 ओम का जो रजिस्टर है, तो यहां करंट क्या होगा? जीरो. सेम यहां पे भी करंट क्या होगा? जीरो. अगर इन दोनों ब्रांच में करंट जीरो है तो आप बोल सकते हो 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम आपस में कैसे है? सीरीज में. तो इनको मैं रिप्लेस कर सकता हूं बाय सिंगल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू 13 ओम. इसी तरीके से आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हो 13 से. तो फाइनली जो मेरे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा? 13/2. ये तो हमने क्वेश्चन किया सिमेट्री के हेल्प से. अब इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं बाय व्हीटस्टोन मेथड. वो कैसे करेंगे? देखो, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, ये 2 ओम हो गया, ये फर्दर 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम. ओके, अब बोल सकते हो ना ऐसे कि भाई अगर ये मान लो 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये मान लो 4 ओम, सॉरी ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 10 ओम और ये 6 ओम, ठीक है जी. तो आप क्या देख रहे हो, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4. तो अगर रेशियो बराबर होगा तो आप बीच वाली आर्म को रिमूव कर दोगे. इसी तरीके से 2/2 1, 6/6 1, तो बीच वाले आर्म को आप रिमूव कर सकते हो. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मान लेते हैं कि आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है अबाउट द बॉडी डायगोनल पॉइंट. मतलब अगर आपको बोल दिया मेरे पास कोई भी क्यूब है जिसकी हर एक एज का रेजिस्टेंस क्या है? आर ओम. अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है बॉडी डायगोनल के अबाउट, मतलब एबी के अबाउट. तो आप क्या देख रहे हो, एबी वाला पॉइंट कैसे है? यहां पर बॉडी डायगोनल है. अगर बोल दिया जाए आपको रेजिस्टेंस निकालना है फेस डायगोनल के अबाउट, अगर मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट को बी डैश, तो अब जो रेजिस्टेंस होगा ए और बी डैश के बीच में वो कैसा होगा? फेस डायगोनल. अगर आपसे पूछा जाए रेजिस्टेंस निकालो इन दो पॉइंट्स के अबाउट, ए और बी डैश के अबाउट, तो दोनों पॉइंट कैसे है मेरे पास? अबाउट द एज. ओके, तो आपको इन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, तो हम लोग पहले किसके बारे में देख रहे हैं? फेस डायगोनल के बारे में. आपको याद रखना है जो यहां पे मैंने यहां पे एज ड्रॉ किया है उन सभी का रेजिस्टेंस क्या है यहां पे? आर ओ. ओके, मतलब इसका भी आर है, हर एक ब्रांच का है, हर एक एज का रेजिस्टेंस क्या है? आर. अब देखो, अब आपको ना सिमेट्रिक पाथ पिक करने पड़ेंगे. सिमेट्रिक पाथ का मतलब क्या है? अगर मान लो आपको ए से बी जाना है तो कौन कौन से पाथ सिमेट्रिक है? आप क्या देखोगे, एक ये वाला पाथ और एक ये जो पाथ है,
इस पाथ में कितने रेजिस्टेंस आए आपके पास? दो। और इस वाले पाथ में भी रेजिस्टेंस कितने? दो। तो दोनों ही पाथ कैसे हैं? सिमिट्रिक। तो आप बोल सकते हो अगर यहां पोटेंशियल सी है तो यहां भी पोटेंशियल क्या है? सी। ओके, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि आप जानते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अबाउट दोनों पाथ के अबाउट तो सेम ही है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट भी तो सेम होगा आपका। मतलब तो जो लॉस होगा इसके अबाउट वही लॉस यहां पे भी होगा। तो जो रिमेनिंग पोटेंशियल बचा इस पॉइंट पे उसी होगा। ऐसे ही जो लॉस यहां पे हो गया, रिमेनिंग पोटेंशियल यहां पे क्या बचेगा? सी। ओके, और देखते हैं से अब और कौन कौन से पाथ है। अगर देखो भाई यहां पे कुछ पोटेंशियल अलग होगा, यहां पे दिख ही रहा है आपको क्योंकि अलग ही पाथ है। आप बोल सकते हो अगर यहां पोटेंशियल डी है, अब आगे देखते हैं। अब डी से मुझे बी जाना है। अब डी से देखो बी जाने कौन कौन से आपके पास पाथ है? एक ये वाला, अगेन ये वन, ये टू, फिर अगेन ये वन, ये टू। तो आप क्या देख रहे हो? ये दोनों पाथ भी कैसे आइडेंटिकल हैं। अगर यहां पोटेंशियल मान लो ई है तो यहां पे भी क्या होगा? ई। ओके, आप देख सकते हो। अब यहां कुछ पोटेंशियल आप कुछ ही मान सकते हो, एफ मान सकते हो। ठीक है, अब इस चीज को आप थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करो। अब आप क्या देख रहे हो? अगर ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लो सी है, अब ए सी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है आपके पास? दो। ठीक है जी, अब सी और बी के बीच में कितने है? दो। सिमिलरली अब आप क्या देख रहे हो? ए और डी के बीच में कितना है? वन। हमने इस पॉइंट को बोल दिया डी, ये रेजिस्टेंस आर है। फिर डी और ई के बीच में कितने है? दो। ओके, फिर सी और ई के बीच में कितने है? दो। ओके, दोनों पैरेलल में होंगे। अब आगे देखते हैं ई और एफ के बीच में कितने है? दो। फिर एफ और बी के बीच में कितने हैं? वन। तो अब आप इस चीज को सिंप्लीफाई करो, पहले चेक करो कि सारे रेजिस्टेंस हुए नहीं हुए। अगर मेरे पास 12 एज है तो रेजिस्टेंस भी कितने होने चाहिए? 12। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12। तो आपके 12 रेजिस्टेंस आ चुके। अब इनको सिंप्लीफाई करो। अब ये आर आर आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरे पास? आर बाय टू। इसका भी क्या होगा? आर बाय टू। इसका भी क्या होगा? आर बाय टू। इसका भी क्या होगा? आर बाय टू। और इनका भी क्या होगा? आर बाय टू। अब आप क्या देख रहे हो? आर बाय, अब इसको अब हमें चेक करना है कि क्या ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा सर्किट है या नहीं है। देखो आर बाय टू, आर बाय टू, ये इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? अब देखो 3R/2। अगर ये आर, ये आर बाय टू, तो रेजिस्टेंस कितना हो चुका है दोनों का मिला के? 3R/2। तो आर बाय टू डिवाइड बाय 3R/2, आर बाय टू डिवाइड बाय 3R/2, ये दोनों का रेशियो क्या है? बराबर। तो आप बीच वाली आर्म को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अब जो सर्किट बचेगा वो क्या होगा? भाई ये मेरे पास आर बाय टू है, ये भी मेरे पास आर बाय टू है, और यहां पे रेजिस्टेंस कितना है? भाई ये आर, ये आर बाय टू, ये आर बाय टू, ये आर, आर बाय टू, आर बाय टू, आर प्लस आर, तो 3R ये हो गया मेरे पास, 3R ये है, और ऊपर वाला कितना है? R। तो मैं लिख सकता हूं R और 3R का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा है? पैरेलल। तो मेरे पास इनका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 3R इंटू में R, 3R प्लस R, मतलब फाइनली मेरे पास आंसर कितना आ गया? 3R/4। आपको याद रखना है, कभी डायरेक्टली इस क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ किसी भी क्यूब के फेस डायगोनल का अबाउट रेजिस्टेंस क्या होता है? 3R/4। ओके, अब और देखते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा गया है बताओ एच के अबाउट रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, अब देखते हैं आपको वही चेक करना है, सिमिलर पाथ या आइडेंटिकल पाथ चेक करना है। देखो अगर मैं यहां से जाऊं पहले, फिर इधर जाऊं, फिर इधर जाऊं, तो रेजिस्टेंस कितना है? 3, 1, 2, 3। अब यहां पे भी देख रहे हो आप, 1,
टू थ्री, मतलब दोनों पाथ कैसे आइडेंटिकल। अगर यहां पोटेंशियल सी तो यहां पे भी सी होगा, अगर यहां पे डी तो यहां पे भी क्या होगा, डी। ओके अब और देखते हैं आगे देख सकते हो, अगर ये मान लो सी है, ठीक है जी, अगर यहां पे आप कुछ पोटेंशियल नाम दे दो, ई दे दो यहां पे नाम, और यहां पे कुछ अलग होगा पोटेंशियल, यहां मान लो एफ हो गया, क्योंकि आइडेंटिकल तो कुछ है नहीं अब यहां से, ठीक है जी, क्योंकि अब देखो यहां से सी दो आ रहे हैं, वो हम ये वाला पाथ तो ले ही चुके हैं। अब इनको हम ना सिंप्लीफाई करते हैं, अगर ये मान लो पोटेंशियल ए है पॉइंट, अब ए और सी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, वन और टू, फिर अब देखते हैं ए और सी के बीच में दो हो गए, फिर सी और डी के बीच में कितने हैं, दो, इसको हम डायरेक्टली लिख रहा हूं आर बाय टू, इनका जो आंसर आएगा ये मेरे पास क्या होगा आर बाय टू, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। फिर आगे क्या देख रहे हैं हम सी बाय, अब डी और बी के बीच में कितने हैं, वन टू, तो ये भी कितना होगा आर बाय टू। अब आगे देखते हैं, अब सी और ई के बीच में कितना है आर, ई और एफ के बीच में कितना है, सी और ई के बीच में कितने हैं मेरे पास, दो, सी और ई के बीच में कितने हैं, दो, तो आर बाय टू। फिर ई और एफ के बीच में देखो, ई एफ के बीच में एक ही है, अब एफ और डी के बीच में कितने हैं, दो, तो ये कितना हो जाएगा आर बाय टू। आगे देखते हैं, हो अब चेक करते हैं, देखो ये दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छ, और कौन सा बच गया, हाँ एक रेजिस्टेंस है मेरे पास ए और बी के बीच में, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, देखो ए सी के बीच में एक दो दो आ गए, फिर आगे देखते हैं सी डी के बीच में एक दो दो आ गए, ये ऊपर वाले, ठीक है, फिर सी के बीच में एक दो, तो सी के बीच में दो है, फिर आगे देखते हैं ई एफ के बीच में एक है, फिर डी और एफ के बीच में दो है तो आर बाय टू लिख दिया, फिर डी और बी के बीच में दो है तो आर बाय टू हो गया, और फाइनली ए और बी के बीच में भी क्या है ए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये आर बाय टू ये आर बाय टू आपस में सीरीज में होगा, क्योंकि देखो सिंगल ब्रांच है, तो आर बाय टू आर प्लस आर, तो टू आर ये हो गया। अब टू आर आर बाय टू के साथ कैसा है पैरेलल में, तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से, ये आर बाय टू ये आर बाय टू, और ये कितना था मेरे पास टू आर, और आर बाय टू का मल्टीप्लाई इन दोनों का एडिशन, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ टू आर बाय फाइव, ओके, और नीचे कितना रेजिस्टेंस है मेरे पास वन, तो आपका देख रहे हो देखो ये हो जाएगा आर बाय टू प्लस आर बाय टू आर प्लस में टू आर बाय फाइव, तो कितना हो जाएगा सेवन आर बाय फाइव, ऊपर वाले का सेवन आर बाय फाइव, फिर सिमिलरली नीचे कितना है आर, वे दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल में, तो क्या लिखूं इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इन दोनों का एडिशन, सॉरी इन दोनों का एडिशन, तो एडिशन कितना हो जाएगा सेवन आर बाय फाइव प्लस आर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा ऐसे सेवन आर अपॉन में 12, ओके तो आपको याद रखना है कि एज के अबाउट रेजिस्टेंस कितना है 7R बाय 12। अब जो लास्ट बच चुका है अपना वो क्या है बॉडी डायगोनल, देखो अब वही सिमेट्रिक पाथ देखते हैं भाई, अगर मुझे पहुंचना ए से बी है, एक ये वाला पाथ आप देख रहे हो इसमें तीन रेजिस्टेंस आ गए जी, एक ये वाला पाथ एक दो तीन इसमें भी तीन है, एक ये वाला पाथ वन टू थ्री, आपको याद में रखना है वो तीनों पार्ट डिफरेंट भी होने चाहिए, उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, आप देख रहे हो इसमें 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 कुछ कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों तीनों पाथों में, ठीक है। तो यहां अगर पोटेंशियल सी तो यहां पे भी सी, तो यहां पे भी सी, अगर यहां पे डी तो यहां पे भी डी, और यहां पे भी डी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, हमने क्या देखा ए सी के बीच में तीन है, अगर ये पॉइंट ए है ये सी है तो तीन होंगे तो पैरेलल में होंगे तो आर बाय थ्री हो जाएगा। अब सी डी के बीच में देखो एक दो तीन चार पांच छ, वेरीफाई करते हैं, देखो एक दो तीन चार
पांच छः, तो छह रेजिस्टेंसेस सी और डी के बीच में, तो आर बाय सिक्स लिख दूंगा। अब आपको देखना है डी और बी के बीच में, तो डी बी के बीच में तीन है, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया इनका, आर बाय थ्री। तो आर बाय थ्री, आर बाय थ्री क्या हो जाएगा, टू आर बाय थ्री प्लस में आर बाय थ्री, तो मेरे पास यहां से आंसर कितना आ जाएगा, फाइव आर बाय सिक्स। तो आपको याद रखने हैं तीनों तरीके। ओके, अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आपको जल्दी करना है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है कुछ, इसका रूल नहीं है कि ऐसे क्यों बना है। देखो, ये बेसिकली मेरे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इसको हमने क्या ट्रिक बनाई है, इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर बॉक्स, सॉरी एफ, ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर बॉक्स, क्योंकि बॉक्स सारे। अब ट्रिक क्या है वो समझते पहले, अब आपको थोड़ी बहुत गिनती लिखनी है। देखो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, दोबारा देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये ट्रिक है जी। ओके, अब रेजिस्टेंस सभी में है, तो हमने आर आर लिख दिया सभी के साथ। अब वेरीफाई करते हैं सही है नहीं। देखो, ये बी स्टैंड फॉर बॉल डायगनल, तो इसका आंसर कितना आया मेरे पास, फाइव आर अपॉन में सिक्स। एफ स्टैंड फॉर फेस डायगनल, उसका कितना था आंसर मेरे पास, थ्री आर बाय फोर, यहां भी थ्री आर बाय फोर है। और एक था मेरे पास अबाउट एज, एज का अबाउट कितना मेरे पास, सेवन आर अपॉन में ट्वेल्व। तो ट्रिक कैसे याद किया, दोबारा लास्ट टाइम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ओके, अब इसी के ऊपर बेस हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख रहे हैं। आपको बोल दिया गया ऐसे एक सर्किट दे दिया, मान लो बोला कि मैंने ये वाली आर्म्स ना रिमूव कर दी यहां से, ठीक है, ये जो आप पहले यहां पे दो आर्म्स थी या एज थी उनको रिमूव कर दिया, अब बताओ रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो हमें तो बेसिक आता है, आप कैसे करेंगे भाई, देखो पहले चेक करो सिमेट्रिक पाथ। भाई सिमेट्रिक पाथ कैसे पता करें, कैसे पता करें भाई, देखो अब मुझे पहुंचना बी पे है, ओके, तो मैं जा रहा हूं पहले एक दो तीन, ऐसी एक दो तीन, तो जो पोटेंशियल यहां पे वो पोटेंशियल यहां पे, जो पोटेंशियल यहां पे वही पोटेंशियल यहां पे, बस। अब देखते हैं, अब एक बात आप देख रहे हो, ये जो मेरे पास दो रेजिस्टेंस है इनके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो। भाई जो पोटेंशियल यहां पे वो पोटेंशियल यहां पे भी है, अगर कोई भी करंट आएगा तो करंट तो फ्लो होगा नहीं यहां से, तो जो करंट यहां गया वो यहां चला जाएगा, फिर जो यहां आया था वो यहां चला, क्योंकि देखो दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है। पहले वाले में क्या था कि यहां पे एक ब्रांच भी थी आपके पास, तो यहां कुछ अलग पोटेंशियल था, ठीक है जी। इस केस में अगर ये ब्रांच नहीं है तो करंट कभी भी ऐसे फ्लो तो कर नहीं सकता, सी से सी की तरफ तो जाएगा नहीं कभी भी वो, क्योंकि सेम पोटेंशियल है। तो आप क्या बोलोगे, इस वाले ब्रांच में भी करंट जीरो होगा, इस वाले ब्रांच में भी करंट जीरो होगा। तो अब चेक करते हैं, ये आर ये आर ये आर, ये थ्री आर हो जाएगा क्योंकि सीरीज में दिख रहा है आपको, ये आर ये आर ये आर, ये भी सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, थ्री आर। तो आप क्या बोलोगे, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस थ्री आर, नीचे वाले का भी क्या होगा, थ्री आर। तो फाइनली मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर कितना आ गया मेरे पास, थ्री आर बाय। ओके, अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है मिसिंग वाले, ओके।